हाय, दिस इज़ मधु एंड आई एम द मेंबर ऑफ टीम बीट द नीट. और आज हम जानेंगे अपने सीनियर मोस्ट मेंबर मिस्टर तुषार गांधी से कि व्हाट इज बीट द नीट. हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन. आप बताइए, आप कैसे हैं? आई एम आल्सो फाइन. सो सर, आप बीट द नीट के साथ कैसे जुड़े? बीट द नीट के साथ मैं कैसे जुड़ा, मैं एक्चुअली मेरे को डॉक्टर एस के सिंह सर का कॉल आया और इनिशियली मैं कॉल पिक नहीं कर पाया. एक्चुअली मैं कहीं बिजी था, तो मैंने उनको रिवर्ट किया और उनसे प्लान वगैरह कुछ समझा फ़ोन पे, तो फ़ोन पे पूरा क्लियर हो नहीं पाया. तो बल्कि उन्होंने मेरे को मिलने के लिए भी बुलाया, मैं उनके पास मिलने के लिए गया और मेरे को उन्होंने सब समझाया. तो मुझे पता चला कि बीट द नीट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सर खुद एक डॉक्टर हैं और सर चाहते हैं कि हर एक बच्चा डॉक्टर ही बने. जिसने भी बायो ऑप्ट करी है वो बच्चा डॉक्टर ही बने. और सर का प्लान मतलब ग्राउंड लेवल से बच्चों को ऊपर तक लेके जाने का है और हर लेवल पे वो चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने. और यही बस यही तरीका है जिससे मैं बीट द नीट से जुड़ा. तो सर, काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स एक्चुअली वैसे मेरी क्लासेज अभी एज सच बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, बट हाँ जैसा पता चला है बीट द नीट के थ्रू कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स ठीक है और बच्चे चाहते हैं कि उनको इस लेवल पे सब कुछ मिले. और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स में जो कुछ उनको नहीं मिल पा रहा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको सब हम दे पाएँ और किसी ना किसी तरीके से हम उनको इम्प्रोवाइजेशन करके आगे भी नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सब देते रहेंगे. और अभी से ही बच्चों ने ठान लिया है कि हाँ हम क्रैक कर सकते हैं बीट द नीट के थ्रू अपना जो नीट नेक्स्ट एग्ज़ाम है 2019 का. तो बस हमारे लिए यही खुशी की बात है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सक्सेस हो रहा है. सर, अदर इंस्टीट्यूट्स के स्टडी पैटर्न और आपके स्टडी पैटर्न में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं मैनुअली वहाँ पे पढ़ते हैं तो उनको आने जाने में जो टाइम लगता है, अगर कोई बच्चा रूरल एरिया का है उसको जाने तक बहुत टाइम लगेगा, वो जाएगा पढ़ेगा वापस आएगा रेस्ट करेगा, इसमें काफ़ी टाइम उसका जाता है. आने जाने में 2 घंटा 1 घंटा लगता है, उसके बाद रेस्ट करने में टाइम जाता है. तो अगर वो बच्चा घर पर ही बैठ के पढ़ता है ऑनलाइन पढ़ता है तो उसका ये सब टाइम जो यूटिलाइज़ हो रहा है वो और पढ़ने में अगर वो टाइम लगा देगा तो वो काफ़ी मतलब आगे स्कोर अच्छा कर सकता है इस तरह से. तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा हमारा दूसरे इंस्टीट्यूट्स में और हमारे में. तो ये तो हो गया आपका टाइम सेविंग का पॉइंट नंबर एक. और नंबर दो, हम जो हमारा बीट द नीट का जो सर ने स्टार्ट किया है उसका नॉमिनल सा एक चार्ज है जो कि कोई भी बच्चा इजीली पे कर सकता है. इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट मांगते हैं और रिजल्ट भी कुछ नहीं निकलता, तो ये मनी सेविंग भी है और साथ ही साथ टाइम सेविंग भी है. तो मेरे अकॉर्डिंग यही बहुत बड़ा डिफरेंस है दूसरे इंस्टीट्यूट्स में और हमारा जो सर ने स्टार्ट किया है बीट द नीट. सर, एम क्या है बीट द नीट का? सर मैम देखिए, बीट द नीट का जो एम है वो ये है कि पहली बात तो नीट क्रैक करना, हर बच्चे को डॉक्टर बनाना, जो बच्चे ने भी सोचा है कि वो नीट एग्ज़ाम दे हर बच्चे को नीट एग्ज़ाम क्रैक कराना. और दूसरा, जो जैसे गर्ल चाइल्ड है वो बाहर जाके पढ़ नहीं सकता, हर किसी को अलाउ नहीं करते उसके पेरेंट्स गर्ल को कि वो बाहर जाके पढ़े, तो उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो घर बैठ के पढ़ सकती हैं और एग्ज़ाम को क्रैक ईजिली कर सकती हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो यही हमारा एम है कि हर एक बच्चा जिसने भी बायो ऑप्ट करी है और जिसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है वो डॉक्टर बने. तो अभी आपने जाना मिस्टर तुषार गांधी से, जो केमिस्ट्री के सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं, कि उनके व्यूज़ क्या हैं बीट द नीट पे. सो आई वुड लाइक एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बीट द नीट से जोड़िए ताकि वो भी अपने सपनों को साकार कर सकें. Thank you.